अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने आपको पिजन्स की एग लेइंग साइकिल और फिर फर्टिलिटी चेक करने का तरीका बताया। आज मैं आपको फीडिंग के बारे में बताऊंगा कि पेरेंट पिजन चिक्स को फीड कैसे करते हैं। पेरेंट पिजन चिक्स को पहले 8 से 10 दिन येलोश कलर का गाढ़ा सियाल मादा पिलाते हैं, जो पेरेंट पिजन्स के पोटे में कुदरती तौर पर बनता है। इस येलोश कलर के मादे को क्रॉप मिल कहते हैं। ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि 3 से 4 दिन के चिक्स हैं और इनके पोटे में आपको यही क्रॉप मिल्क नज़र आ रहा होगा। इसके बाद जब बच्चे तकरीबन 10 से 12 दिन की उम्र को पहुंच जाते हैं तो पेरेंट पिजन बच्चों को सॉलिड ग्रेन फीड करना शुरू कर देते हैं। ये भी आप वीडियो में देख सकते हैं, ये चिक्स तकरीबन 15 दिन के हैं और पेरेंट्स पिजन इनको सॉलिड ग्रेन फीड कर रहे हैं। तो इस तरह से पेरेंट्स पिजन चिक्स को फीड करते हैं जब तक कि चिक्स खुद से दाना चुगने के काबिल नहीं हो जाते। तो दोस्तों, आपने देखा पिजन चिक्स को किस तरह से फीड करते हैं। पेरेंट पिजन ब्रीडर पेयर जो है अपने चिक्स को इसी तरह से फीड करते रहते हैं जब तक चिक्स खुद से दाना चुगने के काबिल नहीं हो जाते। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।